Welcome all to our channel ePhysics for you. In my previous video, I have discussed how to resolve a vector and with this add this vector by a simple problem. In this video, I will show you previous topic through a simple problem for better understanding. So let's go. So through this problem, I will show you the previous topic for better understanding. Okay? इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दो फोर्स दिया हुआ है। एक फोर्स का वैल्यू है 15 न्यूटन जो 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट में है, एंड सेकेंड फोर्स दिया हुआ है जो है 30 न्यूटन जो 48 डिग्री साउथ वेस्ट में है। ठीक है, तो क्या फाइन करने को बोला है, यहाँ पे फाइन करने को बोला है इक्विलिब्रियम फोर्स ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, मतलब ये दोनों फोर्स का इक्विलिब्रियम फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करने से पहले हम फर्स्ट ड्रॉ करेंगे फोर डायरेक्शंस। ठीक है, फोर डायरेक्शन ड्रॉ किया हुआ है। ई इंडिकेट कर रहा है ईस्ट को, डब्ल्यू वेस्ट को, एन नॉर्थ को एंड एस साउथ को। ठीक है, हम फर्स्ट ड्रॉ करने वाले हैं एफ वन फोर्स एंड एफ टू फोर्स इन दिस डायरेक्शन। तो हमने ये दोनों फोर्स को इस तरह ड्रॉ किया है जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। ठीक है, जो फर्स्ट जो फोर्स है 15 न्यूटन वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल फॉर्म किया है, एंड 30 न्यूटन जो फोर्स है सेकेंड फोर्स वो एक्स एक्सिस के साथ 48 डिग्री एंगल फॉर्म किया है। एज टू फोर्स आर नॉट अलाइन पर्टिकुलर एक्सिस, दैट मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, इसीलिए हम इस दोनों फोर्स को रिजल्व करेंगे एक्स एक्सिस में एंड वाई एक्सिस में। उसके बाद हम इस फोर्स को ऐड करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स, एंड देन वी विल ऑल्सो फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम फोर्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट हम रिजल्व करने वाले हैं एफ वन फोर्स को, मतलब 15 न्यूटन फोर्स को हम रिजल्व करने वाले हैं। तो किस तरह रिजल्व कर सकते हैं हम प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह दिखाया है, चाहो तो आप देख सकते हो। तो ये दोनों फोर्स को रिजल्व करने से पहले फर्स्ट हम देखेंगे कि एफ वन जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म किया है। तो एफ वन फोर्स एक्स एक्सिस के साथ जो फॉर्म किया है वो है 180 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, जिसका वैल्यू होगा 150 डिग्री। एंड सिमिलरली एफ टू फोर्स, दैट मीन्स 30 न्यूटन फोर्स एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म किया है वो है 180 डिग्री प्लस 48 डिग्री, एंड जो होगा 228 डिग्री। ठीक है, अब हम रिजल्व करेंगे F1 फोर्स को। सो द वैल्यू ऑफ F1 अलोंग x एक्सिस में होगा, इसे हम लिख सकते हैं F1 इंटू x एक्सिस जो होगा 15 cos ऑफ 150 डिग्री इंटू i कैफ, इतना न्यूटन होगा। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हम लिख सकते हैं माइनस 12.99 इंटू आई कैप, इतना न्यूटन। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कि एफ वन फोर्स का वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस में कितना होगा। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ एफ वन अलोंग वाई एक्सिस में होगा, इसे हम लिख सकते हैं एफ वन वेक्टर इंटू वाई इक्वल्स टू 15 साइन ऑफ 150 डिग्री इंटू जे कैफ, इतना न्यूटन होगा। इसे हम सिंप्लीफाई करने के बाद लिख सकते हैं, लिखेंगे 7.5 जे कैप, इतना न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह हम एफ वन वेक्टर को अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस में हम रिजॉल्व किया है, जिसका वैल्यू इतना हुआ है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि एफ टू फोर्स का वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस में कितना होगा। सो द वैल्यू ऑफ एफ टू अलोंग एक्स एक्सिस में होगा, इसे हम लिख सकते हैं
कि एफ टू एक्स वेक्टर इक्वल्स टू हम लिखेंगे 30 इंटू कॉस ऑफ 228 डिग्री। तो 220 डिग्री कहाँ से आया है, कुछ टाइम पहले ही हम दिखाया है, ए इंटू आई कैफ इंटू इतना न्यूटन होगा। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हम लिख सकते हैं माइनस 20.07 आई कैप इतना न्यूटन। तो सिमिलरली वैल्यू ऑफ एफ टू अलोंग वाई एक्सिस में होगा, इसे हम लिख सकते हैं एफ टू वाई इक्वल्स टू 30 साइन ऑफ 228 डिग्री इंटू जे कैप इतना न्यूटन। इसे हम लिख सकते हैं आफ्टर सिंप्लीफाइंग माइनस 22.29 जे कैफ इतना न्यूटन। तो हम F1 फोर्स एंड F2 फोर्स को अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस में रिजॉल्व किया है। अब हम दोनों फोर्स का वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस में एंड अलोंग वाई एक्सिस में क्या कितना होगा अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ टू फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस में होगा, इसे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स जो होगा एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स। ठीक है, तो एफ वन एक्स का वैल्यू माइनस 12.99 इंटू आई कैप इतना न्यूटन। तो ये है माइनस 12.99 एंड एफ टू एक्स का वैल्यू है माइनस 20.07। ठीक है, एंड ये है माइनस 20.07 होल इंटू आई कैप इतना न्यूटन। तो ये होगा माइनस 33.06 आई कैप इतना न्यूटन। ठीक है, तो सिमिलरली वैल्यू ऑफ टू फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस में होगा, इसे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ वन वाई प्लस एफ टू इंटू वाई। ठीक है, तो हम एफ वन वाई एंड एफ टू वाई का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे जो है 7.5 माइनस एफ टू का वैल्यू है 22.29। ठीक है, इंटू जे कैफ इतना न्यूटन। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस 14.79 जे कैफ इंटू ये एफ वन एंड एफ टू फोर्स का रिजल्टेंट वैल्यू अब हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम दोनों फोर्स को एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में अलाइन किया है इसीलिए। तो दोनों फोर्स का रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा अब हम देखेंगे। सो द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ दिस टू फोर्सेस आर, हम लिख सकते हैं एफ इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, इसे हम वेक्टर के साथ लिख सकते हैं। तो ये होगा माइनस 33.06 आई कैप माइनस 14.79 इंटू जे कैप इतना न्यूटन। ठीक है, अब हम ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट वैल्यू निकल पाया है, बट अभी तक हम इस दोनों फोर्स का इक्विलिब्रियम फोर्स निकल नहीं पाया है, इसे अब हम निकालेंगे। इक्विलिब्रियम फोर्स होगा माइनस ऑफ एफ में। ठीक है, ये यदि एफ वन होगा ये होगा एफ टू जो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, तब ये दोनों फोर्स इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है, ये है एफ टू फोर्स एंड एफ वन फोर्स का हो एफ वन फोर्स का वैल्यू होगा, अब हम लिख सकते हैं एफ टू फोर्स होगा 33.06
into I cap plus 14.79 into J cap. ठीक है, ये होगा equilibrium force of these two forces. ठीक है, so the magnitude of this equilibrium force will be, इसे हम लिखेंगे mod of F2 equals to root of 33.06 का होल स्क्वायर प्लस 14.79 का होल स्क्वायर. ठीक है, इसे हम सिंप्लीफाई करने के बाद इसे हम लिख सकते हैं 36.22 न्यूटन. ठीक है, ये होगा इक्विलिब्रियम फोर्स का वैल्यू. थैंक यू सो मच. विजिट अगेन.